गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम रेगुलर टेस्ट ट्यूब भी आईवीएफ, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, इक्सी, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, एंडोस्कोपी रेगुलर करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि एक स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ शिशु का भी जन्म हो, जिसके लिए हम बहुत सारे जेनेटिक रोगों की रोकथाम और उनके आइडेंटिफिकेशन का भी काम करते हैं। मैं देवेन जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज गो अहेड विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सर, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है? हाइपोप्लास्टिक यूट्रस का ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल है जब आप हाइपोप्लास्टिक यूट्रस क्यों है उसका कारण खोजिए। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस होने का, जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्मल बच्चेदानी है, अब हाइपोप्लास्टिक मतलब छोटा, तो बच्चेदानी को ये बड़ा होने के लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन। ये ईस्ट्रोजन कहाँ से आता है? यहाँ पर एक दोनों साइड में ओवरी होती है, अंडाशय होता है, उसमें से अंडे भी बनते हैं और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन भी बनता है। ये अंडे यदि ईस्ट्रोजन बनाते हैं तो इसके बनाने से ये बच्चेदानी बड़ी हो सकती है, या फिर आप बाजार से खरीद के भी दे सकते हो। अब ये ईस्ट्रोजन जो अंडाशय से नहीं बन रहे, तो क्या अंडाशय खुद खराब हो गए या फिर इसको चलाने वाला ब्रेन से जो सिस्टम आ रहा उसमें कोई प्रॉब्लम है? तो ये कारण खोजना बहुत जरूरी है कि बच्चेदानी छोटी क्यों है, हाइपोप्लास्टिक रिपेयर हो सकती कि नहीं। नॉर्मल पीरियड्स तो आते हैं बट बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और क्लोटिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गायनेकोलॉजी में, और ये एक एबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग कहलाता है, और इसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका पीरियड यहाँ से जो है वो रेगुलर आ रहा है हर महीने, आप रेगुलर पीरियड क्या होता है, 21 दिन से 35 दिन के बीच में इस अंतराल से जो पीरियड आता है वो रेगुलर कहलाता है। यदि आप पैड लेते हैं तो वो पीरियड की मात्रा उचित कहलाती है, बट यदि ये मोर देन 80 ml, मतलब 5 पैड पर डे यदि लगने लगे, तो ये ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा होने से जो लेडी होती है, जो महिला होती है, वो ब्लीड ब्लड लॉस होता है, उसको एनीमिया होने लगता है, खून की कमी होने लगती है। ये जो ब्लीडिंग ज़्यादा है, इसका रीज़न बच्चेदानी में क्या है उसका जांचना बहुत ज़रूरी है। अभी एक पेशेंट मेरे पास आई थी जिसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है और उसको ट्रीटमेंट दे रहे थे, बट जब देखा गया तो यहाँ पर एक बड़ा फाइब्रॉयड था, वो फाइब्रॉयड इसको ब्लीड करा रहा था। अब इस केस में बच्चेदानी, यदि बच्चा हो चुका है, फैमिली पूरी हो चुकी है, तो बच्चेदानी निकालना चाहिए। कई बार एडिनोमाइसिस के कारण ये ब्लीडिंग होती है, तो ये जो ब्लीडिंग होने का जो रीज़न है वो जांचना बहुत ज़रूरी है। उम्र यदि ज़्यादा है तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, खासकर उन महिलाओं में जो 40 से 45 साल 50 साल के बीच में होती है। वो कई बार ये सोचती हैं कि बंद होते के समय ये ब्लीडिंग ज़्यादा होना एक स्वाभाविक चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। क्या हाई लेवल ऑफ AMH PCOD के कारण ही होता है? अधिकतर होता है, क्योंकि PCOD में, हाई AMH में, यदि AMH आपका मोर देन 9, मोर देन 12 ऐसा हो, तो कई बार यदि पीरियड रेगुलर है तो बहुत अच्छी बात है, आप PCOD के डेफिनेशन में नहीं आओगे, पर अधिकतर AMH कुछ हद तक PCOD के कारण ही होता है। प्रेगनेंसी में कब कब और कौन कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए? अधिकतर तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, प्रेगनेंसी के 2-3 महीने पहले तक आप लगा लीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान केवल एक वैक्सीन जो हम लोग लगाते हैं टिटनेस का, वो अधिकतर लगती है। यदि आप रूबेला लगवाना भी चाहते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगाइए, उसके पहले लगाइए। हमारी कोशिश ये रहती है कि प्रेगनेंसी के शुरुआत में या प्रेगनेंसी के पहले आप अपने इम्यूनिटी स्टेटस, जो टॉर्च इन्फेक्शन में खासकर रूबेला की स्टेटस आपका क्या है, आप इम्यूनाइज्ड हो कि नहीं, आपको एंटीबॉडी है कि नहीं, आप सुरक्षित हो कि नहीं, ये चीज़ें देख लेना बहुत अच्छा रहता है। पर अधिकतर ये 2 वैक्सीन लगते हैं, बाकी यदि ज़रूरत पड़ते है तो आप डॉक्टर से पूछ के वैक्सीन का उपयोग कर सकते हो। क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ट्रैवल कर सकते हैं? ये क्वेश्चन भी थोड़ा वेग है, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में किस तरीके का हाई रिस्क है? आपका ब्लड प्रेशर यदि बहुत ज़्यादा है तो आपको रेस्ट लेना चाहिए, आपको यदि ब्लीडिंग होने का खतरा है तो आपको नहीं करना चाहिए। कैसी आप कैसा ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस प्रेगनेंसी में ट्रैवल करना ठीक नहीं होता, खासकर एयर ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये आपका, ये पर्सनल आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपके जो ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, जो आपके प्रसूति विज्ञानी हैं,
उनसे पूछ के आप ये कर सकते हो कि आपका ट्रैवल करना कितना सेफ है। और अधिकतर हाई रिस्क केसेस में वो हाई रिस्क किस रीजन से है वो उस हिसाब से हम ट्रैवल का रेस्ट्रिक्शन करते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है और इसका कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इंस्टाग्राम को हमें फॉलो करिए। थैंक यू।